ये वीडियो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के डिपार्चर और अराइवल का है। इस वीडियो को मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट अंदर से कभी नहीं देखा है, या फिर वो दिल्ली से फ़्लाइट लेने वाले हैं या वापस फ़्लाइट लेकर दिल्ली आने वाले हैं। हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। सजेशंस और फीडबैक देने के लिए हमारे वीडियो में कमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको पहले डिपार्चर का सेक्शन दिखाऊंगा, जहां से आप फ्लाइट पकड़कर अपने डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, और उसके बाद मैं अराइवल सेक्शन दिखाऊंगा, जहां पे हम इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद इमिग्रेशन चेक कराकर अपने लगेज लेने जाते हैं और फिर वहाँ से हम एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। ये IGI का ड्यूटी फ्री सेक्शन है, यहाँ पे GST या टैक्स नहीं लगता है। अगर आप परफ्यूम खरीदते हैं, लिकर, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे इस सेक्शन में मिलते हैं, ये कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री होता है। ड्यूटी फ्री सेक्शन में एंटर करने से पहले आपको अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है, और फिर जाकर आपको अपना सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर कराना होता है, फिर जाकर आप अराइवल के इस सेक्शन में पहुँच पाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली है, जिसका जो लोअर फ्लोर है वो अराइवल का सेक्शन होता है और जो अपर फ्लोर है वो डिपार्चर का एरिया होता है। इस टर्मिनल में 168 चेक इन काउंटर्स हैं, तकरीबन 78 एरोब्रिजेस हैं, 48 कॉन्टैक्ट स्टैंड हैं, 54 पार्किंग बेज हैं, 95 इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, 15 एक्सरे स्क्रीनिंग एरियाज हैं जिसकी वजह से आपको कम वेट करना पड़ता है, और बाकी जो सेक्शन है यहाँ पे ड्यूटी फ्री और शॉपिंग एरिया है, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम ट्रैफिक और कार्गो की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। 3 जुलाई 2010 में इसका इनॉगरेशन हुआ था ऑफिशियल, और जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उन सबको शिफ्ट कर दिया गया था लेट जुलाई 2010 में, और जितने भी फुल सर्विस डोमेस्टिक कैरियर्स हैं उनको नवंबर 2010 में टर्मिनल 3 में शिफ्ट कर दिया गया था। एयर इंडिया, जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, ये जो सारे फ़्लाइट हैं डोमेस्टिक फुल सर्विस एयरलाइंस जो हैं, ये सारे टर्मिनल 3 से ऑपरेट करते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हब है एयर एशिया इंडिया का, एयर इंडिया का, अलायंस एयर का, गो एयर का, इंडिगो का, जेट एयरवेज का, क्विक जेट एयरलाइंस का, स्पाइस जेट, विस्तारा और जूम एयरलाइंस का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि इस एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या सेक्शन है कहाँ पे। अगर आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि 2017 में वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2017 में, मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों को ही। अगर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहे हैं, चाहे वो टर्मिनल 1 से जाएं या टर्मिनल 2 से या टर्मिनल 3 से, सभी टर्मिनल्स में आपको इन्फेंट एंड टॉडलर्स के लिए डे केयर रूम्स अवेलेबल हैं, व्हीलचेयर फैसिलिटी अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट के लिए अलग से कंटेनर्स मिलते हैं आपको कि आप पेट को अपने साथ ले जा सके। इसके लिए आपको पहले से ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने एयरलाइंस के साथ, पहले से ही आपको ये डिस्कस करके उनके लिए जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती है। टर्मिनल 3 में स्मोकिंग जोन भी है गेट नंबर 15 में। मैं स्मोक नहीं करता हूं, लेकिन जब मैंने मुंबई का वीडियो डाला था डिटेल्ड वीडियो, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या आप यहाँ पे स्मोकिंग जोन है या नहीं है, तो मैं उसको उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। बट टर्मिनल 3 के अगर आप डिपार्चर में जा रहे हैं तो गेट नंबर 15 के पास स्मोकिंग जोन है। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पे मेदांता मेडिसिटी के थ्रू डॉक्टर्स दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे गार्जियन फार्मेसी है जो कि एयरपोर्ट में 24/7 लोकेटेड है अपने अपने जगह पे। यहाँ पे आपको पैसेंजर्स को जो है वो वेलनेस और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशंस, आयुर्वेदा, विटामिंस और पर्सनल एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए जैसे कि व्हीलचेयर, तो टर्मिनल 1 में ये गेट नंबर 8 के पास लोकेटेड है, टर्मिनल 2 में ये गेट नंबर 1 डिपार्चर में लोकेटेड है, और टर्मिनल 3 यानी कि ये जो आप एयरपोर्ट में अभी देख रहे हैं वीडियो, अगर आप टर्मिनल 3 में हैं तो गेट नंबर 1 और 8 डिपार्चर में व्हीलचेयर असिस्टेंस फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। IGI एयरपोर्ट जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है, यानी कि पूरी की पूरी जो टर्मिनल की बिल्डिंग है
उसमें आप व्हीलचेयर से किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं। प्लस यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो आपके स्पेशल नीड्स के लिए बने हुए हैं, व्हीलचेयर के साथ आप टॉयलेट्स में भी जा सकते हैं। प्लस जितने भी यहाँ पे चेक इन रो हैं वहाँ पे डेडिकेटेड स्पेशल असिस्टेंस काउंटर भी बने हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको दिल्ली के ट्रैफिक जैम से बचना है और टर्मिनल 3 या टर्मिनल 1 जाना है एयरपोर्ट का, तो आप मेट्रो का यूज़ करके जा सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दोनों ही टर्मिनल के साथ मेट्रो की। पूरा एयरपोर्ट ही वाईफाई जोन है और यहाँ पे एटलीस्ट आप हाफ एन आवर के लिए वाईफाई यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसके बाद भी आपको वाईफाई चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, चाहे आप दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं बाहर से आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना है तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए ये मूविंग वॉकवेज बनाया हुआ है सारे एयरपोर्ट में। चाहे आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, आप ये ऑटो वॉक या मूविंग वॉकवे, या आप इसको ट्रैवलेटर भी बोल सकते हैं या ट्रैवलेटर भी बोल सकते हैं, तो इनका यूज़ करके आप ज़्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं। आप जब एयरपोर्ट में एंटर कर जाते हैं चेक इन के बाद, सिक्योरिटी चेक इन के बाद, तो आप काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं एयरपोर्ट की जो आप ले सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बिजनेस और वीआईपी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है, ड्यूटी फ्री आउटलेट्स है। आपका अगर लगेज छूट जाता है या लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है, अगर आपका लगेज छूट जाता है तो आप बाद में आके वो लगेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन काउंटर्स है, एयरलाइंस के काफ़ी सारे लाउंजेज हैं यहाँ पे, फूड ड्रिंक और काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स भी हैं। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि आपको काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स मिले होंगे और इनफैक्ट आप जब तक बोर्डिंग गेट तक जाते हैं आपको बीच बीच में और भी रिटेल शॉप्स और छोटे छोटे फूड आउटलेट्स और ड्रिंक्स सब कुछ मिलते हैं। छोटे छोटे कियोस्क लगे हुए होते हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ के जो लाउंजेज़ हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो एयर इंडिया लाउंज है जिसका नाम है महाराजा लाउंज, ये डोमेस्टिक डिपार्चर्स और इंटरनेशनल डिपार्चर्स दोनों के लिए है। ऑलवेज वीआईपी गेस्ट सर्विस, इसका भी लोकेशन डोमेस्टिक अराइवल्स और इंटरनेशनल अराइवल में है। आईटीसी ग्रीन लाउंज, इसका जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल डिपार्चर एयर साइड और ये 24 आवर्स ओपन रहता है। ITC ग्रीन लाउंज 24 आवर्स ओपन रहता है। प्लाजा नैप एंड शार है, इसका जो लोकेशन है वो डोमेस्टिक के अराइवल्स में है और इंटरनेशनल के अराइवल में है। प्लाजा प्रीमियम है, इसका डोमेस्टिक डिपार्चर में लोकेशन है। जो दी MX प्लैटिनम लाउंज है वो भी डोमेस्टिक डिपार्चर में है। शावर मसाज लाउंज है डोमेस्टिक अराइवल लेवल पे। सिल्वर क्रिश लाउंज है, ये सिंगापुर एयरलाइंस का लाउंज है। तो इतने सारे लाउंजेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं और बिल्कुल पास में, आई थिंक बाई 3 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे एरो सिटी है। तो एरो सिटी का भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऊपर लिंक है, मैं वहाँ पे दे दूँगा और वीडियो के एंड में दे दूँगा। प्लस जो मुंबई एयरपोर्ट का मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक भी इस वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर दे दूँगा कि आप देखें कि मुंबई एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, अपने गेट पे जाके मैं फ़्लाइट पकड़ूँगा अपने डेस्टिनेशन के लिए। और उसके बाद का जो वीडियो है उसमें जब मैं अराइव करता हूँ वापस दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जब मैं आता हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट के बाद, तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि जब आप अराइव करते हैं यहाँ तो अराइवल में कैसा दिखता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है। अब मैं आपको वो सारे वीडियोज़ दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल ये सेक्शन जो था अभी तक जो आप देख रहे थे, या डिपार्चर का सेक्शन था, इस सेक्शन में हम जाते हैं फ़्लाइट पकड़ के अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए। अब मैं आपको अराइवल सेक्शन के वीडियो दिखाऊंगा टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का। टर्मिनल 3 का अराइवल सेक्शन है। जब आप वापस आते हैं दिल्ली कहीं से फ़्लाइट लेके, तो इस सेक्शन के थ्रू जाते हैं। फ़िलहाल ये, क्योंकि मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके आया था तो ये इंटरनेशनल अराइवल सेक्शन है। यहाँ से मैं जब नीचे उतरूँगा तो वहाँ पे इमिग्रेशन चेक होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप नीचे देख सकते हैं कि ये इमिग्रेशन चेक के काउंटर्स लगे हुए हैं। जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे इमिग्रेशन चेक करना होता है, उसके बाद कस्टम एरिया से होकर आपको गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और वहाँ पे इमिग्रेशन चेक करवाऊँगा अपना क्लियर, और उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या है। फ़िलहाल नीचे चलते हैं और इमिग्रेशन चेक के पास जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए अलग काउंटर है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हैं तो आपके लिए अलग काउंटर्स हैं।
अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं या आपके साथ कोई बच्चा है या आप सीनियर सिटीज़न हैं या आप व्हीलचेयर में आ रहे हैं तो आपके लिए अलग काउंटर है, आपको लंबे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी कंप्लीट कर दिया जाता है उन लोगों के लिए, सो डैट उनको प्रॉब्लम ना हो। बाकी लोग लाइन में लग सकते हैं, लाइन इतनी बड़ी नहीं होती है, नॉर्मली क्यूज़ छोटे होते हैं यहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी कम टाइम लगता है इमिग्रेशन को कंप्लीट करने में। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे सैमसंग S10 प्लस का ऐड दिख गया था एयरपोर्ट में और मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि इसी फ़ोन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए। तो मैं इमिग्रेशन को क्रॉस करके यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आ गया हूँ। इस सेक्शन में ये ड्यूटी फ्री सेक्शन है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं तो यहाँ से आप ड्यूटी फ्री सेक्शन से परचेस कर सकते हैं लिकर, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे जो कुछ भी है वो टैक्स फ्री होता है बिल्कुल, और जो मार्केट रेट है उससे काफ़ी सस्ता होता है। तो नॉर्मली लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आते हैं वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करते हैं ज़रूर, और यहाँ से शॉपिंग ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, हालांकि क्योंकि ये इंटरनेशनल अराइवल है तो यहाँ पे सबके पास पासपोर्ट होगा जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो सब यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है और दुनिया के तकरीबन सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो यहाँ पे आपको नहीं मिलता होगा। बहुत ह्यूज है और बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो स्टाफ़ है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है, आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ड्यूटी फ्री के स्टाफ से पूछ सकते हैं, वो आपको असिस्ट कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। ये ड्यूटी फ्री सेक्शन के बाद लगेज सेक्शन आता है जहाँ पे आप कन्वेयर बेल्ट के पास जाके अपने लगेज को कलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये लगेज का सेक्शन है, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स होते हैं कन्वेयर बेल्ट के, आप डिस्प्ले बोर्ड में देख सकते हैं कि आप जिस फ्लाइट से आए हैं उस फ्लाइट का कन्वेयर बेल्ट कहाँ पे है जहाँ पे आपका लगेज आएगा, या आपको फ़्लाइट में ही अनाउंसमेंट करके बता दिया जाता है कि आपका कौन सा कन्वेयर बेल्ट नंबर होगा, आप उस कन्वेयर बेल्ट नंबर के पास जाके अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। मनी एक्सचेंज फैसिलिटी है यहाँ पे, कैब्स है, मेट्रो है कनेक्टेड, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए। क्लियर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह पे, हर जगह पे डिस्प्ले क्लियर है, काफ़ी साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है, टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन है, आपको यहाँ पे गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ़ लगेगा, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये इंफॉर्मेशन काउंटर, यहाँ पे जाके आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एयरपोर्ट के बारे में या एयरपोर्ट के बाहर के बारे में तो आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ये अराइवल का सेक्शन दिखा रहा हूँ जहाँ से आप लगेज हैं, ये ट्रॉलीज़ हैं तो ट्रॉलीज़ को ऐसे ले जाते हैं इकट्ठा करके। इस सेक्शन में आगे चलेंगे तो आपको कस्टम क्लियरेंस करना पड़ेगा, कस्टम क्लियरेंस के बाद आप जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ से आप इस सेक्शन से आप कैब बुक कर सकते हैं, आप यहाँ से और भी शॉपिंग करना चाहें, अगर कुछ भूल गए आप शॉपिंग करना पहले तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ATMs भी अवेलेबल है, यहाँ पे कैब बुकिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं छोटे छोटे, यहाँ पे फूड काउंटर्स हैं, यहाँ पे अगर आपको भूख लगी है आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो सब फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे, और अगर आप चलते चलते थक गए और रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेयर्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप जाकर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको एयरपोर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल 3 में आए हैं या आने वाले हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। सजेशंस और फीडबैक देने के लिए हमारे वीडियो में कमेंट करें।